कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है और शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नए रास्ते खोल दिए हैं। स्मार्ट क्लास आज परंपरागत कक्षाओं को आधुनिक स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव मीडिया, चित्र, वीडियो, एनिमेशन प्रस्तुतियां, सिमुलेटेड कंटेंट और स्मार्ट सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। ये छात्रों को अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझाने और एक लंबे समय के लिए ज्ञान बरकरार करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ईआरपी स्कूल गतिविधियों, शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन को ट्रैक कर स्वचालित स्कोर बोर्ड पैदा करता है और विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन का विश्लेषण कर स्कूल प्रशासन की गतिविधियों में मदद करने के उपयोग में लिया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर्स ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक नई शिक्षा प्रतिमान यानी न्यू एजुकेशन पैराडाइम ऑनलाइन शिक्षा इसके द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री को संचालित किए जा रहे हैं। छात्र एक कोर्स, डिग्री या प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन मोड का उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली छात्रों को कई लाभ प्रदान करती है जो वे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि आज लाखों लोग ऑनलाइन शिक्षा का पालन कर रहे हैं और इस मामले में इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी स्कूल की किताबें और सामग्री को डिजिटल और ई पुस्तक यानी सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करके छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। पत्रिकाओं, जर्नल्स, ब्रोशर और आर्टिकल्स के ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण छात्र इन्हें कहीं भी कभी भी इंटरनेट के जरिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकालयों के सभी फंक्शंस जैसे बुक को इशू करना, बुक को वापस करना आदि भी कंप्यूटर्स के द्वारा स्वचालित किया जा रहा है।